सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में डालेंगे हम सिंघाड़े का आटा, फिर उसमें डालेंगे हम उबले हुए आलू, बॉइल्ड पोटैटो, उसके बाद हम उसमें डालेंगे सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, और फिर इसके बाद हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, ऐड करेंगे इसमें घी। घी डालकर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और आलू को अपने सारे मतलब अच्छे से आटे के साथ मैश कर लेना है। देन इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के अच्छे से ना इसको गून लेंगे, जैसे नॉर्मल आटा गूनते हैं ना वैसे ही इसको गूनना है, और अच्छे से इसको गून लेना। अगर आपको ज़रूरत लगे तो पानी भी ऐड करके डाल लें, बट अवॉइड करें कि पानी ना ही डालें, क्योंकि जो आलू है ना उसमें मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से जो आटा ना अच्छे से गून जाता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं होती। बट जब सूखा लगे तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा आटा जो है अच्छे से गूंद गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा घी अप्लाई करें, आटे की थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इसको रोटी की शेप देके हाथों से प्रेस करके उस पर रोटी बना लेंगे। इसको बेलना नहीं है, हाथों से ही बनाना है छोटे छोटे। फिर एक पैन लेंगे, पैन पे हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, फिर जो हमने रोटी बनाई हुई थी वो उसके ऊपर डाल के एक साइड से धीमी आंच में इसको कुक कर लेंगे अपनी रोटी पे, फिर दूसरी साइड भी उसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो इसको धीमी आंच में कुक करेंगे तो हमारी जो रोटी है अच्छे से पक जाएगी। अगर आपको लगता है कि रोटी सूखी है तो आप उस पर घी और डाल सकते हैं, क्योंकि घी में ही पकती है ये, तो उसको उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो उसको हल्के हल्के आँच पे धीमी आँच में इसको अच्छे से पका लेंगे और कहीं से भी कच्ची नहीं रहेगी ये। तो ये जो रोटी है हमारी रेडी हो चुकी है। आप इस रोटी को जो व्रत वाले आलू हैं उसके साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत हेल्दी भी है ये, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत ईजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।